माय यूट्यूब चैनल दिस इज अनूप तिवारी फ्रॉम हियर। जैसा कि अभी हमने पहला चैप्टर आपको क्लास टेंथ का पढ़ाया, उसे पूरा कंप्लीट करा दिया है। आज हम चैप्टर टू स्टार्ट करने जा रहे हैं केमिस्ट्री का, और उसका नाम है एसिड बेस एंड साल्ट, है ना। ये लेक्चर फोर है, इसके पहले लेक्चर तीन आ चुके हैं फर्स्ट चैप्टर के। अब सेकंड चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं हम। याद रखिएगा, एसिड क्या है, बेस क्या है, सॉल्ट क्या है, आज हम इस पर चर्चा करने जा रहे हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये उठता है, एसिड है क्या। एसिड जिसे आप अम्ल कहते हैं, एसिड जिसे आप क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं, ये होता क्या है। तो देखिएगा, सबसे पहले जो अम्ल की बात आई और क्षार की बात आई, इन्हें स्वाद के द्वारा पहचाना गया। किसके द्वारा पहचाना गया, स्वाद के द्वारा पहचाना गया। स्वाद मतलब टेस्ट के द्वारा, किसके द्वारा, टेस्ट के द्वारा। कैसे, जो भी स्वाद में खट्टा होता है, जो स्वाद में खट्टा होता है वो क्या है, अम्ल है। जो स्वाद में खट्टा होता है वो अम्ल है, और जो स्वाद में कड़वा या कसैला होता है वो क्षार है। ऐसी बात कही गई शुरू में, ठीक है। जैसे कि आपने नींबू खाया, स्वाद में खट्टा है, अम्ल है। टमाटर खाया, स्वाद में खट्टा है, अम्ल है। आपने जो है कई भी संतरा खाया, स्वाद में खट्टा है, अम्ल है। अचार खाया, स्वाद में खट्टा है, अम्ल है। जो भी स्वाद में खट्टा है वो क्या है, अम्ल है। ये बात शुरू में आई कि अम्ल वो है जो स्वाद में खट्टा है। खट्टा को अपन इंग्लिश में बोलते हैं सोर, ठीक ना। और स्वाद में जो क्या है, कड़वा है, उसे अपन क्या बोलते हैं, बीटर। क्या बोलते हैं, बीटर, ठीक है। तो नहाते समय साबुन का स्वाद तो चखा ही होगा, तो नहाते समय जो साबुन आपके मुंह में चला जाता है वो कड़वा या कसैला लगता है, उसे हम बोलते हैं क्या, क्षार। तो जो भी स्वाद में खट्टा है, जैसे इमली स्वाद में खट्टी है, तो आपका क्या है, अम्ल। तो शुरू में अम्ल के लिए स्वाद देख करके अम्ल और क्षार की पहचान की जाती थी, आइडेंटिफाई किया जाता था। जो स्वाद में खट्टा वो अम्ल, और जो स्वाद में कड़वा वो कसैला, वो क्षार होता था। लेकिन बाद में जो है इसके लिए बातें बदली गई। क्यों, ऐसे ऐसे एसिड और बेस आए कि जीभ डालेंगे तो जीभ ही गायब हो जाएगी, नहीं समझ पा रहे हैं। आपको तो पता है एसिड बहुत खतरनाक होता है, तो भाई एसिड और बेस का पहचान करने के लिए कोई अपना जीभ क्यों गायब करेगा, एक ही बार बता पाएगा कि एसिड है कि बेस, है ना। इसीलिए अब इसके लिए एक लिटमस पेपर बनाया गया। यह लिटमस पेपर दो कलर के बनाए गए, ठीक ना। इसे लिटमस पेपर इंग्लिश में भी लिटमस पेपर ही कहते हैं, ठीक ना। एक बनाया गया, ठीक ना, नीला रंग का, और एक बनाया गया लाल रंग का। अब आप बोलेंगे ये फिक्स कैसे, अरे भाई जैसे पूरे अपने भारतवर्ष में जो एलपीजी सिलेंडर मिलता है दो ही कलर के, एक रेड और एक ब्लू, सबका कलर कोडिंग बनाया गया है। ऑक्सीजन की पाइपलाइन भेज गई है कोरोना के बाद हर कहाँ, सभी जगह पे, तो उसमें कौन सा क्या आ रहा है, कैसा ऑक्सीजन आ रहा है, वो सब कलर कोड कर दिया गया है। याद रखिए, उसी तरह लिटमस पेपर नीला और लाल रंग का बनाया गया। यदि नीले लिटमस जो अम्ल होता है, इसकी पहचान दूसरी ये बताई गई कि जो नीले लिटमस पेपर को लाल कर दे, जो नीले लिटमस पेपर को लाल कर दे वो अम्ल। लाल माने खतरा, अम्ल माने भी खतरा, समझ गए ना। तो याद रखिएगा स्टिक से, नीले लिटमस पेपर को जो लाल कर दे वो अम्ल है, है ना। और जो लाल लिटमस पेपर को नीला कर दे, जो लाल लिटमस पेपर को डालने के बाद दो बूंदे जिसमें डाल दें और उसे क्या कर दे, नीला कर दे, तो समझ जाइए वो क्या है, क्षार है। तो एसिड के लिए सबसे पहले यही परिभाषाएं आई कि जो स्वाद में खट्टा है वो अम्ल है, जो स्वाद में कड़वा और कसैला है वो क्षार है, और जो नीले लिटमस पेपर को लाल कर दे वो क्या है, आपका अम्ल है, और जो लाल लिटमस पेपर को नीला कर दे वो आपका क्या है, क्षार है। इसके बाद कई सारे वैज्ञानिक आए और जिन्होंने अम्ल और क्षार पर अपने विचार प्रकट किए। उनमें से सबसे पहला नाम जो है वो है आर्हेनियस का। सबसे पहला नाम किसका है, आर्हेनियस का, जिन्होंने अम्ल और क्षार के बारे में बताया। अम्ल और क्षार के बारे में आर्हेनियस ने यह कहा कि किसी भी पदार्थ को यदि आपको अम्ल और क्षार जानना है तो उस पदार्थ को वाटर में डिजॉल्व करना पड़ेगा, पानी में घोलना पड़ेगा, ठीक ना। जैसे कि आप क्या करो, किसी पदार्थ को पानी में घोलो, किसी भी पदार्थ को वाटर को क्या करना है, पानी में घोलना है। और जब किसी पानी में यदि किसी पदार्थ को यदि आप घोलते हो, पानी में यदि किसी पदार्थ को क्या करते हो, घोलते हो, तो जब भी किसी पदार्थ को पानी में घोलते हो, जब भी किसी पदार्थ को पानी में घोलते हो और यदि वो H+ आयन देता है, यदि वो H+ आयन देता है तो समझ जाओ वो क्या है, अम्ल है। किसी पदार्थ को पानी में घोलो और वो H+ आयन दे तो वो क्या है, अम्ल है। और किसी पदार्थ को पानी में घोलो, किसी पदार्थ को पानी में घोलो और वो H+ आयन
नहीं OH माइनस आयन दे, हाइड्रोक्सिल आयन दे, तो वो क्या है आपका क्षार है। यस प्लस आयन दे तो अम्ल है और OH माइनस आयन दे तो क्षार है। अब आप बोलेंगे कौन है भाई ऐसा, तो देखिए एक लिस्ट बना रहा हूँ मैं। HCl इसका नाम है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये H प्लस देता है, ये अम्ल है। हमने कहा HNO3 नाइट्रिक अम्ल, ये भी H प्लस देता है, ये अम्ल है। हमने कहा H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है, ये भी हमारा अम्ल है, H प्लस देता है। हमने कहा H2CO3 ये भी हमारा अम्ल है, कार्बोनिक अम्ल, ये भी H प्लस देता है, ठीक है। हमने कहा H3PO4 फास्फोरिक अम्ल, ये भी H प्लस देता है, ये भी क्या है अम्ल है। हमने कहा CH3COOH, ठीक है ना, इसको बोलते हैं एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, इसी का नाम है एथेनोइक अम्ल, एथेनोइक अम्ल, सामान्य नाम एसिटिक अम्ल, IPSC नाम एथेनोइक अम्ल। HCOOH इसको अपन बोलते हैं फार्मिक अम्ल, फार्मिक अम्ल, इसका सामान्य नाम है फार्मिक अम्ल, IPSC नाम इसका मेथेनोइक अम्ल, मेथेनोइक अम्ल, ठीक है। ये सारे के सारे H प्लस देते हैं, ये HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HNO3 नाइट्रिक अम्ल, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, H2CO3 कार्बोनिक अम्ल, H3PO4 फास्फोरिक अम्ल, H3COOH एसिटिक अम्ल, HCOOH फार्मिक अम्ल। ये सारे के सारे जो हैं ये क्या कहलाते हैं आपके, ये सारे के सारे अम्ल हैं, ठीक ना, क्योंकि ये सारे H प्लस देते हैं। आप बोलेंगे कैसे H प्लस देते हैं, HCl टूटता है तो H प्लस Cl माइनस बनाता है, जब ये टूटता है तो H प्लस NO3 माइनस बनाता है, H2SO4 टूटता है H प्लस SO4 माइनस 2 बनाता है, जब भी कार्बोनिक अम्ल H प्लस CO3 माइनस 2 बनाता है, जब भी ये टूटता है H प्लस PO4 माइनस 3 बनाता है, जब भी ये टूटता है तो CH3COO माइनस H प्लस। भले इसमें H प्लस पीछे लिखा, यही तो बस एक ऐसा है कि H प्लस पीछे लिखता है तो लोगों को लगता है वो H है, नहीं नहीं H प्लस देता है, जो भी कार्बोक्सिलिक अम्ल COOH कहीं भी दिखेगा तो H उसमें हमेशा प्लस होगा। जैसे यहाँ पे देख लीजिए दिख गया HCOO माइनस का है, H प्लस का है, ये भी अम्ल है। तो याद रखिएगा जो भी H प्लस देते हैं वो अम्ल है और जो H प्लस नहीं देते वो क्षार है। अब आप बोलेंगे वो क्षार के भी नाम बताइए, तो ध्यान से देखिएगा, जैसे हमने ले लिया NaOH, इसको बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये क्षार है, सोडियम हाइड्रोक्साइड ये अपना क्षार है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। आप बोलेंगे KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये आपका क्षार है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, हाइड्रोक्साइड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। उसके बाद आप बोलेंगे CaOH का होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये भी आपका क्या है, क्षार है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। उसके बाद आप बोलेंगे एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, ये भी आपका क्षार है, ठीक ना, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। जो भी OH माइनस आयन देते हैं वो आपके क्षार है। आप बोलेंगे BaOH का होल ट्वाइस क्षार है, बेरियम हाइड्रोक्साइड। MgOH का होल ट्वाइस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये सब क्षार हैं भाई, जो भी OH माइनस आयन देता है वो अपना क्षार कहलाता है, बेरियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये सब आपके क्या हैं, क्षार हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, बेरियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, आपके क्षार हैं। ये भी जो भी हैं आपके, जो OH माइनस आयन देते हैं वो आपके क्षार हैं और जो H प्लस देते हैं वो आपके अम्ल हैं। अब आप बोलेंगे NaOH किस प्रकार से देता है, तो ध्यान दीजिए Na+1 का है, OH-1 का है, K+1 का है, OH-1 का है, Ca+2 का है, OH-1 का है। आपको पता होना चाहिए यहाँ पे Al+3 का है, OH-1 का है। आपको पता होना चाहिए यहाँ पे Ba+2 का है, OH-1 का है। आपको पता होना चाहिए Mg यहाँ पे +2 का है और OH क्या है, -1 का है। तो जो H+ दे
वो अम्ल है और जो OH माइनस दे वो क्षार है। तो ये बात सर्वप्रथम जहाँ से आई, जिस वैज्ञानिक ने बताया उस वैज्ञानिक का नाम आहिरनियस था। आहिरनियस ने कह दिया कि जिसके पास भी H प्लस है वो अम्ल है, जिसको जल में डालो और जल में डालने के बाद H प्लस आयन देता है तो अम्ल है, और जो जल में डालने के बाद OH माइनस आयन देता है वो क्षार है। आहिरनियस ने थी ना ये बात तो बताई, लेकिन एक बात बता दूं मैं, अम्ल में कभी भी आपको H प्लस दिखाई नहीं देगा, भले H प्लस हो। बोलो कैसे? क्योंकि H प्लस स्थायी नहीं होता। H प्लस स्थायी ना होने के कारण अस्थायी होता है, और जो भी अस्थायी होता है केमिस्ट्री में वो क्रियाशील होता है। ये H प्लस जिस जल में डालते हैं उससे क्रिया कर लेता है। अब बताओ ये जल में H2O है, एक और हाइड्रोजन आकर के जुड़ जाएगा तो तीन हाइड्रोजन हो जाएगा, एक ऑक्सीजन है इसके ऊपर प्लस लग जाएगा और इसका नाम होता है हाइड्रोनियम आयन। तो जब भी आपको H प्लस मिलेगा वो हाइड्रोनियम आयन के फॉर्म में मिलेगा, मतलब ये कह सकते हो कि H प्लस देता है, मतलब H3O प्लस होगा जिसमें। तो याद रखिएगा अम्ल की पहचान आहिरनियस के अनुसार, जो H प्लस देता है वो अम्ल, जो S माइनस आयन देता है वो क्षार, है ना, ये आहिरनियस ने बताया, ठीक है। और जो ना तो H प्लस दे और ना तो OH माइनस आयन दे, ना तो H प्लस बनाए ना तो OH माइनस बनाए, वो कहलाता है लवण, मतलब सॉल्ट कहलाता है। जो ना तो H प्लस दे ना तो OH माइनस आयन दे, कौन? जैसे हमने लिखा Na2CO3, इसमें ना तो H प्लस है ना तो OH माइनस है। हमने लिख दिया क्या? हमने लिख दिया NaNO3, ना तो H प्लस है ना तो OH माइनस। हमने लिख दिया Al2SO4 का होल ट्राइस, ना तो H प्लस है ना तो OH माइनस है। जब भी H प्लस और OH माइनस ना हो, ठीक ना, तो वो कहलाता है लवण और वो कहलाता है सॉल्ट। तो इसमें क्या है भाई, इसमें क्या है? तो याद रखना Al+3 का है उल्टा और SO4-2 का है। अब इसमें सोडियम का +1 होता है, NO3 का कट गया है, NO3 का -1 होता है। यहाँ पे ये उल्टा वाला इसका है CO3 का -2, और इसके साथ कुछ नहीं लिखा है, तीन है ऐसे ब्रैकेट में एक था, ये पूर्णक था लिखा नहीं, +1। तो याद रखिएगा जो H प्लस देता है वो अम्ल कहलाता है, जो OH माइनस आयन देता है वो क्षार कहलाता है, और जो ना तो H प्लस देता है और ना तो OH माइनस आयन देता है वो हमारा क्या कहलाता है? वो हमारा क्या कहलाता है? लवण कहलाता है। H प्लस देने वाला अम्ल, OH माइनस देने वाला क्षार, और ना तो H प्लस दे ना तो OH माइनस आयन दे, वो हमारा लवण कहलाएगा। इस प्रकार से हमने अम्ल जाना, क्षार जाना, अम्ल क्या है, लवण क्या है, जो स्वाद में आपको खट्टे हैं आपको पता है ना, वो आपका अम्ल है, और जो स्वाद में कड़वे और कसैले हैं वो आपका क्षार है, ठीक ना। उसके बाद जो नीले लिटमस पेपर को लाल कर दे वो अम्ल है, और जो लाल लिटमस पेपर को नीला कर दे वो आपका क्या। तो ये था अपने अम्ल और क्षार की जानकारी। जो H प्लस दे तो वो अम्ल, और जो OH माइनस दे तो क्षार, और ना तो H प्लस OH माइनस दोनों ना दे तो आपका क्या कहलाता है? लवण, या अपना क्या कहलाता है? सॉल्ट कहलाता है। इसी पर कई लोगों ने अम्ल और क्षार को बताने के लिए क्या दिया, अपना एक स्केल दिया, है ना, जिनका नाम सोरेनसम नामक वैज्ञानिक था, उन्होंने pH स्केल दिया। pH स्केल के द्वारा बताया कि कौन अम्ल है और कौन क्षार है। तो ये अम्ल और क्षार के पीछे की जो कहानी है वो बहुत ही हमने शानदार तरीके से आपको बताने का प्रयास किया। एक बार दोबारा हम आपको याद दिला दें कि ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl होगा, नाइट्रिक अम्ल HNO3 होगा, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 होगा, कार्बोनिक अम्ल H2CO3 होगा, फास्फोरिक अम्ल H3PO4 होगा, एसिटिक अम्ल CH3COOH होगा, इसी को एथेनोइक अम्ल भी बोलते हैं, इसी एसिटिक अम्ल को हम सिरका भी कहते हैं, सिरका, ठीक है। अब यदि बात किया जाए फार्मिक अम्ल की, यही चींटी के डंक में पाया जाता है, चींटियों के डंक में जो होता है, जो भी काटते हैं, है ना, उनमें जो है, ठीक है, जो पीली जो भी होंगी वो इसी यही होती, मधुमक्खी बी जो होती हैं, याद रखिएगा। और NaOH अपना सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार है, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्षार है, CaOH का होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्षार है, AlOH का होल ट्वाइस एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड क्षार है, BaOH का होल ट्वाइस बेरियम हाइड्रोक्साइड क्षार है, MgOH का होल ट्वाइस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्षार है। मतलब जो भी H प्लस दे वो अम्ल है और OH माइनस आयन दे क्षार है। इनको याद कर लीजिएगा, इस लेसन में जो भी अब आगे और इस लेसन में जो भी आपके रिएक्शंस बनेंगे उनमें ये सब पार्टिसिपेट करेंगे, तो आपको नाम इनका याद होना पड़ेगा। ये जैसे कि मैंने कहा सोडियम कार्बोनेट, ये सोडियम नाइट्रेट, ये एल्युमिनियम सल्फेट, जो लिखा भी दिया हूँ पहले चैप्टर में,
जब सूत्र बनाना सिखाया हूँ, एल्युमिनियम सल्फेट, तो ये सारी चीज़ें के पीछे कैसे नामकरण होता है, कैसे क्या चीज़ें हैं, तो ये हमने एसिड बेस और साल्ट का लेक्चर फर्स्ट पढ़ाया। इसमें आपको सारी जानकारी दी, क्या क्या जानकारी दी कि अम्ल स्वाद में कैसा है, क्षार स्वाद में कैसा है, और जानकारी क्या दी, अम्ल नीले लिटमस पेपर के साथ लाल लिटमस पेपर के साथ क्या प्रभाव दिखाता है, और क्या जानकारी दी अहर्नियस ने अम्ल और क्षार के बारे में क्या बताया, और क्या जानकारी दी अहर्नियस ने अम्ल एवं क्षार जानने के लिए पदार्थों को किसमें भिगोया, किसमें डाला, तो विलायक के रूप में जल में डाला, और जो जल में डालने के बाद जो एच प्लस दे रहा था वो कौन था, तो अम्ल था, ये भी बताया। अम्ल के क्या सूत्र होते हैं, क्या फॉर्मूले होते हैं, कैसे टूटता है, ये सब बताया। क्षार के क्या सूत्र होते हैं, क्या फॉर्मूले, कैसे टूटता है, ये बताया। लवण क्या होता है वो बताया, उसके सूत्र बताया, उसके नामकरण बताया। इस प्रकार से हमारा एसिड बेस एंड सॉल्ट का लेक्चर फर्स्ट कंप्लीट होता है। अब अगले लेक्चर में हम आपसे मिलेंगे, है ना, और आप इसको देखते रहिए। कोई भी परेशानी होती है कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।